ये राम पथ धर्म पथ जितने भी पथ हैं इनके अब जो जो हम देख रहे हैं काम का कंस्ट्रक्शन का वो किस हद तक पहुंचा और कब तक का टेंटेटिव डेट माना जाए? राम पथ भक्ति पथ जन्मभूमि पथ और धर्म पथ चार पथ हम कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें राम पथ का काम अभी हम लोग का रोड का काम बिटुमिन का रोड का काम हो गया है और फुटपाथ का काम चल रहा है और उसके बाद फिर हम लोग पूरा फसाड कंट्रोल भी कर रहे हैं पूरे दोनों साइड में जो दुकानें हैं और बिल्डिंग्स हैं उसका हम लोग फसाड कंट्रोल भी कर रहे हैं वो काम भी चलेगा। हम लोग का ये 31 दिसंबर तक का टारगेट है और कुछ ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट हैं वो बाद में भी संचालित रहेंगे जनवरी तक चलेगा। और जन्मभूमि पथ हमारा ये लगभग कम्प्लीट था, उसके बाद फिर एक अवधारणा बनी कि शेड्स की भी ज़रूरत होगी, जो श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं जो भक्तगण आ रहे हैं उनके लिए शेड्स है तो यहाँ 9 शेड्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू यहाँ पर लोग आराम भी कर सकते हैं और गर्मी के दिनों में राहत मिलेगी। तो ये भी शेड्स का काम भी हमारा 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं 2 स्तंभ बन रहे हैं यहाँ पे, जो मेन एंट्री हमारा जन्मभूमि पथ के लिए उसमें 2 स्तंभ बन रहे हैं, ये भी 31 दिसंबर तक हम काम कंप्लीट करेंगे और कुछ सौंदर्यीकरण का कार्य 15 जनवरी तक संचालित रहेगा। एक फसाड हाँ जन्मभूमि पथ के और भी दोनों आप साइड में देख रहे हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने एक्सेस कंट्रोल किया है और यहाँ पे फसाड कंट्रोल होगा, फसाड पे लाइटिंग होगा, तो ये भी काम हम लोग का 15 जनवरी तक पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया कि जितनी भी दुकानें मेन रोड पे दिख रही है, राम पथ पे दिख रही है, भक्ति पथ पे दिख रही है, उन सब का साइन बोर्ड एक जैसा कर दिया गया, आगे का स्वरूप एक जैसा बनाने की कोशिश की, ऐसा कोई आदेश दिया गया है? इसके खर्च पे को फिर कौन उठा रहा है? नहीं, इसमें हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण फसाड कंट्रोल का हम लोगों ने किया था और रोड की जो परियोजना हमारी थी धर्म पथ जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ इन तीनों रोड्स के साथ हम दोनों की बिल्डिंग लाइन है उसको हम लोगों ने समरूप बनाने का प्रयास किया है, फसाड कंट्रोल इसको कहते हैं और इसका फंडिंग जो है गवर्नमेंट ही कर रही है और इसकी रंगाई पुताई है गवर्नमेंट कर रही है। सारे साइन बोर्ड किसी भी इसके सारे चेंज होने का काम भी गवर्नमेंट कर रहा है? फसाड का जो फ्रंट साइड का हम लोग कर रहे हैं, फ्रंट साइड का आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक सबसे खास देखा, जैसे अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं वहाँ सूर्य का की बहुत बड़ी प्रतिमा लग रही है, उसके बाद 40 ऐसे पोल्स बन रहे हैं जिस पर सूर्य के एक स्वरूप को रखाया जाएगा, वो क्या सोलर से चलने की योजना है या फिर उस पर क्या सौंदर्यीकरण में उसमें क्या नहीं? सबसे महत्वपूर्ण है कि आप साकेत पेट्रोल पंप से के पास से लेकर हमारा लता मंगेशकर चौक तक वहाँ पे हम लोग धर्मपथ इसको कहते हैं और धर्मपथ पे एंट्री पे हमारा एक गेट होगा, लोटस की तरह गेट है, काफ़ी भव्य गेट वहाँ बन रहा है और उसके बाद हम 40 स्तंभ बना रहे हैं जो सूर्य स्तंभ कहा जाएगा, उसमें आप लाइटिंग आप देख सकते हैं, लाइट की व्यवस्था होगी वहाँ पर तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। और उसके अलावा जो हम लोग को ये सोलर नगरी के रूप में हम लोग अलग से विकसित कर रहे हैं, अभी NTPC को हम लोगों ने 160 एकड़ लैंड लगभग दिया है जो 40 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहे हैं, साथ साथ सोलर ट्री हम लोग बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं और राजघाट से लेकर गुप्तार घाट तक हम लोगों ने सोलर लाइट लगवाए हैं, तो ये एक अलग योजना है जिसको हम लोग संचालित कर रहे हैं। एयरपोर्ट ऑपरेशनल का कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसका उद्घाटन करने का, हम लोग का जो फाइनल स्टेज है और हम लोगों ने एयर स्ट्रिप, जैसा कि आपको पता होगा एयर स्ट्रिप रेसा और टर्मिनल बिल्डिंग का काम लगभग कंप्लीशन का स्टेज में है और कुछ सौंदर्यीकरण का काम जो पेंटिंग्स है वो काम चल रहे हैं और हम लोग इसी मंथ के एंड तक हम लोग की संभावना है कि एयरपोर्ट का इनोग्रेशन होगा और इसको हम लोग फिर एयरपोर्ट सेवाएं भी जहां से संचालित होगी एयरपोर्ट अथॉरिटी इसको डिसाइड कर रही है उसको संचालन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के।